इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने ये बताया कि जो सही आंसर देगा उसको मैं 50,000 रुपया दूंगा। क्या 50,000 रुपया देगा? हाँ, और उन्होंने ये बताया कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन हगता है, और उन्होंने ताराबाज गिंद का ट्रोल भी कर दिया है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसको मैं दूंगा 50,000 रुपए। तो बताओ इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन हगता है? जो हगिंदर थारा भाई हगिंदर। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है हर्ष बनीवाल की साइड से। हर्ष बनीवाल ने अपने वीडियो के रिलेटेड ना बताया अपने इंस्टाग्राम लाइव पर, तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। वेल, काम ही चल रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड या प्रोजेक्ट पे ही काम चल रहा है, और मैं ऑलमोस्ट रोज हम लोग शूट कर रहे हैं, रोज इट्स अभी भी शूटिंग चल रही है। राइट नाउ मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं लाइव आया हूँ, तो ये ख़त्म करके मैं शूट पे ही जाने वाला हूँ। तो बस वही है, रोज़ हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, रोज़ लगे हुए, रोज़ नई नई अड़चनें आती है, रोज़ नए नए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे। बट मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग सब प्रे करो हमारे लिए कि ये सब अच्छे से हो जाए, हम लोग अच्छे से बना ले। जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो आ रही है आलिन ब्लॉग, आलिन ब्लॉग, आलिन ब्लॉग, आलिन ब्लॉग, आलिन ब्लॉग की साइड से। आलिन ब्लॉग के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो आउट हुई है जहाँ पे आलिन ब्लॉग को काफी ज्यादा ऑडियंस उनके रिस्पेक्ट दे रही है। तो गाइस उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना जीनत ब्लॉग से राखी बंधवाई है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। सो गाइस जीनत ब्लॉग अभी राखी लेके आई है मेरे लिए, आज मैं बांधूंगी आलियान को राखी। जीनत ब्लॉग आज मुझे राखी बांधने वाली है। ये लो भाई, ये लो निकालो भाई, मुझे कुछ देना भी पड़ेगा आपको। और क्या, गूगल पे है मेरे पास सिर्फ। अच्छा राखी देखने दो राखी। आलिम ब्लॉग को ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देखने के लिए मिल रही है हिंदू पीपल की तरफ से, तो मैं आपको एक कमेंट पढ़ के दिखा देता हूँ। आलियान भाई मुस्लिम बट सपोर्ट हिंदू फेस्टिवल एंड कल्चर। बाकी आपके क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो रही है UKG7 राइडर की साइड से। UKG7 राइडर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना काफी ज्यादा सैड दिखे, वो ना गाइस अपने टीममेट हर्ष को काफी ज्यादा सैड वॉइस मैसेज भेज रहे थे। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। दिल बिले बिना ही टूट गए खत, मेरी हर पल याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। मुझे लगता है हर्ष जो है ना वो ना इंडिया छोड़ चुका है, इसलिए ना UKG7 राइडर जो हर्ष को ना मिस कर रहे हैं, और इसलिए सैड सैड मैसेज भेज रहे हैं। UKG7 राइडर आज मुझे लगता है 10K का गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाले हैं। ये आपको सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। और UKG7 राइडर ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी पोक किया, तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को भव्य जैसी बहन मिली है, जो हमेशा हैज ऑलवेज बीन देयर विद मी। बहुत सारे लोग आए गए बट शी इज द वन जो स्टार्टिंग से खड़ी हुई थी। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो रे मोहित चौधरी ब्लॉग्स की साइड से। मोहित चौधरी ब्लॉग्स की साइड से एक वीडियो उठी है जिसमें ना आमिर भाई की ना लहरा देखने को मिली है, और उसे देखकर मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता था। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। तो भाई चेक करो, यहाँ पे आ गई है लहरा, जो कि बहुत टाइम बाद आपको यूट्यूब पे दिखाई दे रही होगी या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे। तो ये लहरा जो आमिर माजिद की थी वो अब ऐसी दिखती है। चेक कर लो गाइस आप इसका ओवरलुक कैसा है, इसमें क्या चेंजेस थे और अभी क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप चेक कर लो। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है राजा डीजे साहब जी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल पैरी पे, और शफकत का भी रक्षाबंधन के दिन ये दोनों स्पॉटेड दिखे एक दूसरे के साथ। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। बाकी गाइस आपको क्या लगता है इन दोनों की वापस से दोस्ती हो चुकी है, इन्हें शॉर्ट आउट कर लिया है, तेरे को क्या लगता है? शॉर्ट आउट नहीं कर लिया, क्लियर आउट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है सौरभ शर्मा की साइड से। आपको पता है सौरभ शर्मा है जो वो ना झारखंड के टीम मेंबर है, और उनका ना पुराना चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है, उन्होंने नया बनाया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी, तो जाकर ना प्यार सपोर्ट दिखाना। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो आ रही है मानिक अत्री की साइड से। मानिक अत्री ने ये बताया कि मैं इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, और उन्होंने ये बताया कि मैंने ना अपनी सीवी की इतनी तगड़ी बनाई है कि वो इंडिया की फर्स्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। एक ही सीवी ऐसी होने वाली है जो तुम्हारे भाई ने तैयार की है, ठीक है? तो फ्राइडे या सैटरडे को हमें गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है?
उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमने अपनी गाड़ी में अपनी सिविक में क्या क्या करवा रखा है। तो मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो सिविक हमारे इंडिया की एक पहली इकलौती सिविक होने वाली है जिसमें वो सब चीजें मॉडिफिकेशन होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बिजी था, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन करके आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है ना। आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।